हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। CAA पर हमने बहुत से वीडियोस बनाए। एक संविधान के स्टूडेंट की हैसियत से धर्म के नाम पर नागरिकता दी जाए, इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो भारत में सिटीजनशिप के मामलात में आलोचना की जाती है, उसके साथ साथ हमें अपने आसपास और विश्व में नागरिकता के क्या हालात हैं, उन पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंगला मुसलमान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिल रही। इमरान खान ने वादा किया था 2018 में उन्हें नागरिकता देने का, आज तक पूरा नहीं किया। आज मैं बात करने जा रहा हूं फिलिस्तीनियों की, जिनके साथ पूरे विश्व की हमदर्दियां हैं। भारत हमेशा फिलिस्तीन के कॉज के लिए खड़ा रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं फिलिस्तीन गए। भारत बहुत बड़ा एड हर साल फिलिस्तीन को देता है। उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल्स बनाने में भारत का बहुत बड़ा किरदार है। यूनाइटेड नेशंस में भारत फिलिस्तीन के हक में वोट करता रहा है। लेकिन जॉर्डन, जो उनका नेबरिंग कंट्री है, जो अरब कंट्री है, जिसकी हुकूमत अपने को कहती है हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, ये वही ट्राइब है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। वो कहते हैं हम उन्हीं के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। आपको मालूम है कि बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा का मैनेजमेंट भी बहुत सालों तक जॉर्डन के हाथ में रहा है। अब जॉर्डन की नागरिकता के कानून पर आज बात होगी। 1954 का कानून है, लॉ नंबर 6। 1987 तक इसमें आखिरी अमेंडमेंट हुए। इसमें जॉर्डेनियन नेशनल को डिफाइन किया कि कोई भी आदमी जो यहूदी नहीं है और अगर उसके पास फिलिस्तीन की नेशनैलिटी 15 मई 1948 तक थी और वो रेगुलर रेजिडेंट है जॉर्डन का दिसंबर 20, 1949 तक, तो उसे जॉर्डन का नागरिक माना जाएगा। अब चक्कर इसमें यह है कि फिलिस्तीनियों को जो रिफ्यूजीज हैं उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए येलो कार्ड्स दिए गए थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कैलकुलेट किया कि 2004 से 2008 तक 2700 लोगों के ये कार्ड्स रिवोक किए गए। फिर 4000 लोग इससे इफेक्ट हुए। जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो 2012 तक 4500 के ये कार्ड्स रेस्टोर कर दिए गए। अगर आप जॉर्डन के नागरिक नहीं हैं तो बहुत आपका नुकसान है। आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, वर्क परमिट बहुत मुश्किल से मिलेगा, आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में आपको बहुत मुसीबत होगी, बहुत हाई फी होगी, पासपोर्ट और सिक्योरिटी के चेक्स को आप सब्जेक्ट किए जाएंगे। जॉर्डन का जो नागरिकता का कानून है वो नैरोअर विजन ऑफ नागरिकता पर बेस्ड है। हम आपको CAA के दौरान बताते रहे हैं कि नागरिकता या तो बाई बर्थ मिलती है या फिर उसमें रिलेशनशिप देखी जाती है। जॉर्डन का नागरिकता कानून बेसिकली जस सेंगुई के प्रिंसिपल पर, यानी पैटर्निटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कहां आप पैदा हुए ये यहां इररेलीवेंट है। और अक्सर ये होता है कि जो जॉर्डन की औरतें बाहर के लोगों से अगर शादी कर लें तो फिर उनको नागरिकता मिलने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी और वो आज की डेट में सिटीजन नहीं माने जाएंगे। अब अगर देखें इस कानून में,
आर्टिकल 4 में कहा जा रहा है नेचुरलाइजेशन, कि अगर कोई अरब 15 साल तक जॉर्डन में रह ले, अपनी नागरिकता जो पेरेंट कंट्री की है, कंट्री ऑफ ओरिजिन की, उसे छोड़ दे, उसके अंदर कोई इंपेयरमेंट ना हो, यानी वो समाज के लिए बर्डन ना हो, ये बड़ा गलत प्रोविजन है, इसका मतलब आप पर्संस विद डिसेबिलिटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो आपको वहां की नागरिकता नेचुरलाइजेशन से मिल सकती है। अरब के लिए बात हो रही है 15 साल की। फिर ये बात हो रही है आर्टिकल 12 में कि कोई और आदमी है नॉन अरब है, 4 साल वहां रहने के बाद अगर उसका इरादा वहीं रहने का है, वो अप्लाई कर सकता है और उसको नेचुरलाइजेशन मिल सकता है। बाहर की औरत ने अगर जॉर्डेनियन से शादी की और वो अरब है, तो उसको 3 साल बाद नागरिकता मिल सकती है। अगर नॉन अरब है तो 5 साल के बाद। ये अरब और नॉन अरब का डिस्टिंक्शन उस धर्म में जिसका क्लेम समानता और इक्वालिटी और इक्विटी को है और सारे इंसानों की बराबरी को है। दरअसल थ्योरी कुछ और होती है और हकीकत कुछ और होती है। नेशन स्टेट्स अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी धर्म को नहीं देखा करती और धार्मिक बातों पर ध्यान नहीं देती। कितने लोग जॉर्डन में ऐसे हैं जो 70 साल से जॉर्डन में रह रहे हैं, उनके बाप दादा 1967 में जॉर्डन में आ गए। वहां भी एक डिस्टिंक्शन किया जाता है। अगर आप इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक से आए, तो आप अगर जॉर्डन के रेजिडेंट हैं, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गाजा स्ट्रिप से आए हैं और 1988 के बाद जॉर्डन ने अपना क्लेम छोड़ दिया, तो आप सोचिए कि आपको नागरिक बनने में बहुत मुसीबत आने वाली है। मैं समझता हूं कि फिलिस्तीनियों में आपस में भी ये डिस्टिंक्शन करना कि आप वेस्ट बैंक से आए या गाजा स्ट्रिप से आए, कि इजिप्शियन कंट्रोल वाले एरिया से आए या वेस्ट बैंक से आए, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नजर नहीं आती है। मुझे ये लगता है कि इस मामले में गौर फिक्र होना चाहिए। और आप देखिए 72 साल से एक एजेंसी इस पे काम कर रही है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज UNRWA। आज लोग इन्हें डोनेशन देते देते थक चुके हैं। 40% कम इनकी फंडिंग हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनकी फंडिंग बंद कर दी थी, अब बाइडेन ने आके उसे दोबारा शुरू किया है, लेकिन बहुत कम फंडिंग है। 2018 में ट्रंप ने बंद कर दी थी। लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए, फोर्सिबली डिस्प्लेस लोग जो गाजा स्ट्रिप से 1967 में गए, उनका नंबर है 1,75,000। जॉर्डन में UNRWA 161 स्कूल चला रहे हैं जिसमें 1,20,000 बच्चे, 25 हेल्थ सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, तकरीबन 60,000 लोग बहुत गरीब हैं, उनको कैश असिस्टेंस और खाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। ऐसे समय में जब तकरीबन 5.7 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, पैलेस्टाइन की समस्या का कोई हल होना चाहिए। भारत हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में कहता रहा है, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन हो और एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इजराइल हो।
अब तो इसराइल से अरबों के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। यूएई के ऑफिशियल विजिट पर पिछले हफ्ते इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आए। अब तो फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट से जाने लगी हैं, सऊदी अरब से भी जाने लगी हैं शायद। ऐसे समय में जब 5.7 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हों लेबनान में, सीरिया में, जॉर्डन में, इजिप्ट में, कुछ 1948 से, कुछ 1967 से, और ये रिफ्यूजीज बुरे हालात में रह रहे हों, इंसानियत ये डिमांड करती है कि अरब वर्ल्ड, जिसने इनके कॉज को अब वर्चुअली अबंडन कर दिया है, इसराइल से ताल्लुकात बनाने की चाह में कम से कम फाइनेंशियल एड और सिटीजनशिप तो दे। भारत के सिटीजनशिप कानून का सिविल लिबर्टियंस ने विरोध किया, लेकिन सिविल लिबर्टियंस के आंखों पे कोई कलर्ड ग्लास नहीं होता, इसलिए अगर जॉर्डन नागरिकता को लेकर फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म करता है तो मैं समझता हूं हम उसकी भी उतने ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नागरिकता जन्म के आधार पर ही होनी चाहिए। जिस देश में किसी का जन्म हो जाए उस देश की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए। ये आज जो पैलेस्टीनियंस जॉर्डन में हैं, ये वहीं पैदा हुए हैं, इनके पास फिलिस्तीन जाने का अब कोई रास्ता नहीं। उनको एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, काम करने से, अली एक लड़का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, नौकरी नहीं कर सकता, कोविड के टेस्ट कर रहा है। अपने ही अरब फिलिस्तीनी भाइयों के साथ अगर इस्लामिक देशों में रहम नहीं तो फिर वो एक उम्मत की बात और एक मिल्लत की बात खोखली नजर आती है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और देखें कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज रुथलेस ऑब्जेक्टिविटी से हर देश के नागरिकता के कानून पर साफ बहस करता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।